हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को भी पढ़ेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बताए, आंसर के साथ भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चंस आपको मैं दो बताऊंगा, ठीक है। अब दोनों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं खुद भी नहीं कह सकता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। नंबर वन जो है ये विद्युत धारा चैप्टर से है और ये सिद्ध करने को आपसे पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंट इनमें से ऐसे भी होंगे जिनको ये सिद्ध करना आता होगा, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिनको आता है वो भी देखते रहें, क्योंकि मैं इजी वे बताऊंगा, सरल तरीका इसको सिद्ध करने का। देखिए, सिद्ध कीजिए कि जे इक्वल टू सिग्मा ई, जहां ई चालक की विद्युत क्षेत्र, जे धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है, यानी कि आपको क्या सिद्ध करना है कि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ठीक है। ये जे के ऊपर कैप लगा हुआ है, ई के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया, ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि फाइनली आपको सिद्ध करना है कि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो आपका जे है ये धारा घनत्व है, सिग्मा जो है ये विशिष्ट चालकता है, और जो आपका ई है ये चालक का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, इसको सिद्ध करना है तो आपको विशिष्ट चालकता का फार्मूला पता होगा क्या है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए, यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो, ठीक है, उसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है, उसकी विशिष्ट चालकता का एक फार्मूला होता है। विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, ठीक है, 1/ρ, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग इसी तरह सिद्ध कर देंगे और एक फार्मूला आपको और पता होगा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, ठीक है, की परिभाषा से विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग सिग्मा ये रो से डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल टू फार्मूला होता है E/J, ठीक है, यानी कि E/J, जहां E है विद्युत क्षेत्र, J है धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू E/J होता है, ठीक है, समझ में आया, यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में जो धारा घनत्व है E/J, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, अगर आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आपको पता है क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होती है किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, हम करेंगे क्या, ये सिग्मा इक्वल टू 1/ρ आ गया, रो इक्वल टू E/G आ गया, तो देखिए इस रो के स्थान पर हम E/G लिख सकते हैं, क्योंकि E/G जो है वो रो के बराबर है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है। तो चलिए रख देते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/ρ के स्थान पर हम लिख देंगे E/G, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, यहां से सॉल्व करना, सिग्मा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 1/E/J है, अब इस एक के नीचे हम 1/1 मान सकते हैं, 1/1, ठीक है, तो इस एक का गुणा होगा सबसे लास्ट वाले से, तो आपका आ जाएगा जे अपान इस ई का गुणा होगा जो एक के नीचे हम मानेंगे, तो ई का एक से गुणा होगा तो ई, तो ये आपका जब इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो जे अपान ई आ जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा आ जाएगा, इस ई को हम इधर ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा सिग्मा ई इक्वल टू जे। अब फाइनली हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये प्रूव हो चुका है,
बहुत ही आसानी से ये आपका प्रूव हो चुका है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। देखिए सिग्मा इक्वल टू वन अपान रो के स्थान पर हमने ई अपान जे रख दिया। अब जब इसको हमने ऊपर नीचे किया तो जे अपान ई आ गया। अब सिग्मा इसका हमने सिग्मा से गुणा कर दिया क्योंकि इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो सिग्मा ई इक्वल टू जे, जे इक्वल टू सिग्मा ई। यही हमें प्रूव भी करना था। देखिए जे इक्वल टू सिग्मा ई, दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक तो विशिष्ट चालकता की फार्मूला और एक विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। विशिष्ट चालकता का फार्मूला याद रखिए सिग्मा इक्वल टू वन अपान रो, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रो इक्वल टू ई अपान जे। अब इसी रो के स्थान पर आप रख दीजिए ई अपान जे, आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब सेकेंड हम अपना क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। स्टूडेंट ये सेकेंड फिजिक्स के तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो देखिए इसमें चार अंतर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए व्यतिकरण इधर है, विवर्तन इधर है, दोनों में अंतर क्या है दोनों को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट है ये घटना दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी कि जो व्यतिकरण है ये दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत यानी कि दो अलग अलग तरंगाग्रों के बीच का अध्यारोपण का परिणाम है। इसमें क्या होता है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी कि एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, दो पृथककृत तरंगाग्र, इसमें सिर्फ एक ही तरंगाग्र। सेकंड देखिए इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती हैं, यानी कि व्यतिकरण जो घटना है इसमें जितने भी दीप्त फ्रिंजे होती हैं वो एक समान, ठीक है, एक समान तीव्रता की होती है, यानी कि जो उनकी तीव्रता होती है इंटेंसिटी वो एक समान होती है। और इसमें विवर्तन में क्या होता है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं, यानी कि जितने भी दीप्त फ्रिंज होती हैं वो अलग अलग तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता घटते क्रम में होती है, यानी कि इनकी तीव्रता जो है वो घटते क्रम में होती है, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होंगी व्यतिकरण में, और विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजे विभिन्न तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में भी होंगी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा अंतर है इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की होती हैं, यानी कि व्यतिकरण में जितनी भी फ्रिंजे होती हैं वो समान चौड़ाई की होती हैं, उनकी जो चौड़ाई है वृत्त है वो समान होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की नहीं होती, यानी कि विवर्तन में सभी फ्रिंज एक समान चौड़ाई की नहीं होगी, ठीक है, सबका अलग अलग जो है चौड़ाई होगा। चौथा हमारा डिफरेंस है दोनों में कि इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, यानी कि व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होते हैं वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते। और इसमें जो अंतर है, इसमें ऐसा नहीं होता, यानी कि विवर्तन में जो निम्निष्ठ हैं वो पूर्णतया अंधकारमय नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चार डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए व्यतिकरण के, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, चार अंतर मैंने आपको बताया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई तीन अंतर लिखिए, कोई चार अंतर लिखिए, कोई दो अंतर लिखिए, तो आप इन चारों को याद कर लीजिए, जो कुछ भी आएगा आप उसे आसानी से लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल से लगातार बने रहें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।